तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जो बातें मैंने आपको बताई थी कि भैया दो साल तक तो खिलाड़ी कुमार के पास किसी नई फिल्म के लिए डेट नहीं है, तो भाई कैसे करेंगे खिलाड़ी कुमार सुहेल देव का काम। तो दोस्तों क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की कितनी चर्चा हो रही है, यानी कि भैया बैक टू बैक खिलाड़ी कुमार के पास एक लंबी लिस्ट है कई फिल्मों की। और भाई हाल फिलहाल में ही खिलाड़ी कुमार को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही थी, यानी कि भैया सोशल मीडिया पर यह खबर काफी वायरल हो रही थी कि भैया अमित त्रिपाठी की लिखी हुई किताब यानी कि द ग्रेट वॉरियर सुहेल देव के ऊपर में लिखी हुई किताब में भैया अब एंट्री होने वाली है खिलाड़ी कुमार, यानी कि भैया अमित त्रिपाठी के लिखे हुए इस किताब के ऊपर में फिल्म बनने वाली थी और इस फिल्म में बताया जा रहा था कि खिलाड़ी कुमार की एंट्री हो चुकी है। और भाई फाइनली अब इस फिल्म को लेकर यह खबर सामने आ चुकी है कि भाई खिलाड़ी कुमार ने इस फिल्म के लिए अपनी असहमति जता दी है, यानी कि भैया उनके पास इस फिल्म को देने के लिए डेट नहीं है। यानी कि हाल फिलहाल में ही अमित त्रिपाठी इस फिल्म के लिए मीटिंग करने गए थे खिलाड़ी कुमार से और वहां पर उन्होंने अपनी इस फिल्म की कहानी खिलाड़ी कुमार को सुनाई थी। और भाई जब खिलाड़ी कुमार ने इस फिल्म की कहानी को सुना तो भैया उनको इस स्क्रिप्ट में काफी कमियां मिली, जिसके लिए उन्होंने भैया अमित त्रिपाठी को बोला कि भैया पहले आप इन कमियों को ठीक करें। और उसके बाद जब खिलाड़ी कुमार से इस फिल्म के लिए 70 दिनों का टाइम मांगा गया तो भैया वहां पर बताया जा रहा है कि खिलाड़ी कुमार ने साफ तौर पर यह बातें कह दी कि भैया 2021-2022 में तो उनके पास एक भी दिन किसी दूसरे फिल्म के लिए बचा ही नहीं है, यानी कि भैया दो साल के लिए तो वो पूरी तरीके से पैक हैं और अगर वो इस फिल्म का काम करेंगे तो भैया 2022 के बाद ही वो इस फिल्म पर सोच सकते हैं जब इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में लिख लिया जाए। यानी कि आप लोगों ने आज तक सुहेल देव को लेकर जो खबरें सुनी हैं कि भैया खिलाड़ी कुमार इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं, तो भैया अब बॉलीवुड के गलियारों से इस फिल्म को लेकर यह खबर निकल के आ रही है कि खिलाड़ी कुमार ने अभी फिलहाल दो साल के लिए तो इस फिल्म को रिफ्यूज कर दिया है। यानी कि भैया अगर इस फिल्म के मेकर्स खिलाड़ी कुमार को लेना चाहते हैं तो उनको दो साल तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर उनको किसी दूसरे स्टार के साथ में इस फिल्म को आगे बढ़ाना होगा। यानी कि भैया अभी भी स्क्रिप्ट में काम काफी बाकी है मेरे दोस्त, काम बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि खिलाड़ी कुमार सुहेल देव की इस कहानी को लेकर आए सिनेमा घर में, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।